बहुत ज्यादा धस गई है। देखिए ये टोटल जो है कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये जो बेकरी का भद्रसा में मोइन खान का इवन बेकर के नाम से है उसकी सैम्पलिंग कराई जानी थी, उसी के क्रम में जो है हमारी टीम और SDM सुहावल के सहयोग से हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और पूरी टीम ने इसका निरीक्षण किया तो काफ़ी प्रोडक्ट बेकरी के हटा लिए गए थे। मौके पर जो है 3 प्रोडक्ट हमारे पाए गए थे जिसमें काला नमक था, एक साधारण नमक था और एक बेकरी साटनी थी और 2 जो है छोटे छोटे अमाउंट के वह बेकरी के प्रोडक्ट थे जिनका जो है वह सर्विस सैंपल कराए गए हैं, 3 लीगल सैंपल लिए गए हैं। अब इस को हम टोटल जो है सैंपल को राजकीय प्रयोगशाला झांसी भेजेंगे, वहाँ पर लैब की रिपोर्ट जैसी आती है उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद इनकी इवन बेकर्स का जो लाइसेंस है वो हमारे द्वारा जो है सस्पेंड भी कर दिया जाएगा जिससे भविष्य में ये काम करने न पाए। क्या नाम जाँच में क्या क्या जाँच में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मानव विभोग के लिए नहीं थी, उन्हीं की सैम्पलिंग जो है वह कराई गई है क्योंकि ये प्रॉपर लैब बेस्ड जो है विभाग है, इसलिए प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ये खराब है, उसी आधार पर इसको जो है लैब भेजा जा रहा है, वह जो रिपोर्ट आ जाएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सील करने का कोई मकसद नहीं क्योंकि अंदर कोई प्रोडक्ट जो है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं, इनके लाइसेंस हम सस्पेंड कर देंगे जिससे कि भविष्य में कभी कर नहीं। ये लाइसेंस तो हमको लगता है कि 3 साल पहले से इनका लाइसेंस चल रहा था और प्रॉपर जांच कराई जा रही थी, लेकिन क्योंकि ये केस हुआ इसलिए इनको जो है बंद किया जाएगा, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium। Thank you.